हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूं, वो सबसे अलग है। जी हां, यहां के नियम भी सबसे अलग हैं। जैसे शोले फिल्म में एक डायलॉग था कि भागो भागो गब्बर आया, वैसे ही दोस्तों इस देश की भी हालत है। जी हां, यहां पे भी जब यहां के हेड आते हैं तो सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। जी हां दोस्तों, ये दुनिया का मात्र दूसरा ऐसा देश है जहां कोक पीने पे बैन लगा हुआ है। जी हां, इस देश में आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स नजर नहीं आएगा। यहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने पे भी पाबंदी लगी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एशिया के ही एक और देश की ओर, जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस देश की जनसंख्या है 2,50,00,000 के आसपास। जी हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में इस देश का नाम 54वें नंबर पे आता है। इस देश का कुल लैंड एरिया है 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बात की जाए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ आपको 214 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे नजर आएंगे। इस देश में 70% लोग शहरों में रहते हैं तो 30% लोग गांव में रहते हैं। वहीं अगर यहाँ की औसत उम्र की बात करें तो यह है 35 साल। बिल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में ऊपर से नीचे तक सब कुछ घपला है। जी हाँ, देखिए ना, यहाँ नाम में ही इतना बड़ा घपला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश का नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसकी चलते है। इस देश में सब के सब यहाँ के तानाशाह के गुलाम है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी यहाँ के तानाशाह किम के परमिशन के बिना नहीं हिलता। दोस्तों, इस देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई नियम कानून नहीं चलता है। बिल दोस्तों, आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इंटरनेट यूज करने पर पाबंदी है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हैं, वो भी किम की परमिशन के बाद ही इंटरनेट यूज करते हैं। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल होता होगा। जी हाँ, आज के जमाने में कैसे कोई बिना इंटरनेट के रह सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये नियम जरूर है। बिल दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पर एक ऐसा नियम भी है जिसके मुताबिक कोई भी अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में नहीं जा सकता। जी हाँ, ये यहाँ का सबसे अजीबोगरीब नियम है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस देश में अगर कोई इंसान अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहता है तो उसे सजा दी जाती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर एक पत्ता भी किम के कहे बगैर नहीं हिलता। जी हाँ, आप यही समझ जाइए कि यहाँ की हालत कितनी खराब हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी बड़े अधिकारी को भी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो उसे भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। बिल दोस्तों, जब बात आती है नॉर्थ कोरिया की, तो आपको बता दूं कि इस देश में स्कूल तो बच्चे जाते हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर जब यही बच्चे 5th क्लास में जाते हैं तो इन्हें स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। जी हाँ, ये बात सच है, यहाँ पर हर बच्चे को मजदूरी करना सिखाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में बच्चों को छोटी क्लासेस से ही 173 घंटे का कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि उनके देश के तानाशाह किम को क्या पसंद है और क्या नहीं। जी हाँ, बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसमें उन्हें जरूर पास होना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में सिर्फ 3 ही TV चैनल हैं। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल की बात है। आपको बता दें कि ये 3 चैनल हैं यहाँ के सरकारी चैनल। यहाँ पर कोई भी बाहर का कोई भी चैनल नहीं देख सकता। इस देश में कोई भी इन चैनल्स के बारे में कुछ भी गलत फीडबैक या कॉमेंट नहीं कर सकता। इन 3 चैनल पे दिन भर यहाँ के तानाशाह किम की तारीफ की जाती है। इस देश में सब कुछ अलग ही लेवल पर है। एंटरटेनमेंट के नाम पर यहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं है। समझिए कि आप कितने अच्छे देश में रहते हैं। यहाँ पर रेडियो स्टेशन भी एक ही है। जी हाँ, उस पर भी दिन भर देशभक्ति के गाने आते रहते हैं या वहाँ भी किम की तारीफ ही होती रहती है। बिल दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी बात इस देश के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत हंसा सकती है और आपको गुस्सा भी आ सकता है। जानते हैं, इस देश में हर इंसान के घर पे किम और उनके पिताजी की तस्वीर टंगी होती है। जी हाँ, कहा जाता है कि सबको इनकी तस्वीर के सामने झुकना ही पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी के घर पे आग लगे और उसने अपनी फैमिली को पहले बचा लिया तो समझिए कि उसका बचना मरने के बराबर है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि यहाँ पे किसी के घर में अगर आग लगती है तो यहाँ का नियम है कि आपको सबसे पहले किम और उनके पिता की तस्वीरों को सुरक्षित करना होता है। किसी भी हालत में इनकी फोटो नहीं जलनी चाहिए। दोस्तों, ये वाकई कमाल का नियम है। दोस्तों, ये बात तो सबको पता ही है कि इस देश में किसी को भी अमेरिका के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी हाँ, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग अमेरिका से इतनी नफरत करते हैं कि यहाँ पर कोक पीने पे बैन लगा हुआ है। जी हाँ, इस देश में कोई भी कोक नहीं पी सकता। साथ ही दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स का भी कोई आउटलेट आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के हैं यहाँ के नियम। दोस्तों, इस देश में बहुत गरीब है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस देश में हर रात कंप्लीट ब्लैकआउट होता है। कहने का मतलब ये कि नॉर्थ कोरिया में हर रात लाइट चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में कोई ऐसा देश भी है जहाँ बिजली ना हो। जी हाँ, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हर रात सब अंधेरे में ही होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे उतनी बिजली नहीं है कि सबको दी जा सके। अभी कुछ ही दिनों पहले एक तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे नॉर्थ कोरिया में रात को अंधेरा रहता है।
दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में इलेक्शन के नाम पे मजाक होता है। जी हां, यहां पर लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो किम की पार्टी के अलावा किसी और को चुन सकें। लेकिन दोस्तों ये वाकई अजीब सी बात है कि जब लोगों को आपको ऑप्शन ही नहीं देना है तो फिर इलेक्शन कराने का क्या मतलब है। वेल दोस्तों यहां के नियम कानून भी बहुत अलग ही है। कहा जाता है कि यहां पर अगर किसी ने गलती से भी यहां के नियम कानून को तोड़ा तो उसे ही सजा नहीं मिलती, बल्कि दोस्तों सजा मिलती है उसके 3 जनरेशंस को। कहने का मतलब है कि उसके दादा दादी, मम्मी पापा और खुद उसे। आप समझिए कि इस देश में क्या क्या नियम है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी इंसान अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करा सकता। जहाँ यहाँ पर आपको सरकार ने जो 10 हेयर कट दिए हैं उन्हें में से कोई एक चुनना होता है। ये है यहाँ की सच्चाई। यही नियम यहाँ की लड़कियों पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में कोई भी इंसान ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता है। जी हाँ, ये है यहाँ की रियलिटी। कहा जाता है कि इस देश में कोई भी ब्लू जीन्स इसलिए नहीं पहन सकता क्योंकि यहाँ पर इसे अमेरिका का साइन माना जाता है, और ये अमेरिकन को कितना प्यार करते हैं ये तो आपको पता ही है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर इंसानों को अपनी पॉटी को उठाकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देना होता है। जी हाँ, ताकि इस देश में इससे खाद बनाया जा सके। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आपको बता दूं कि साल 2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद देने से मना कर दिया था, और उसी के बाद ये नियम यहाँ पर बना कि आप पॉटी करें और उसे अथॉरिटीज को दे दें ताकि उससे खाद बनाया जा सके। बिल दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कोई भी इंसान कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी हाँ, यहाँ पर अलग ही नियम बनाए गए हैं। यहाँ के तानाशाह का मानना है कि कॉन्डम का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इंसान कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब सोच सकते हैं कि यहाँ की क्या हालत होगी। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के लोग बहुत परेशान हैं, और सबसे खराब लाइफस्टाइल भी यहीं के लोगों की है। यहाँ के लोगों के लिए बस में सफर करना बहुत कठिन है। कहते हैं यहाँ जो भी बस चलती है वो सब खटारा बसेज हैं, यानी कि नाम के लिए वो बसेज होते हैं। ऊपर से हर बस में हद से ज्यादा भीड़ होती है, और यहाँ न तो मेट्रो की सुविधा है और न ही ट्रेन की। यहाँ पर ट्रेनें बहुत कम चलती हैं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ लोगों को पागल बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ के स्कूलों से खूबसूरत लड़कियों को उठा लिया जाता है, लेकिन आपको लगेगा कि किसके लिए, तो यहाँ के तानाशाह के लिए। जी हाँ, इन्हें लड़कियों के साथ रहना और खूबसूरत लड़कियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, तभी तो कई बार इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, लेकिन हर बार ये बच जाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता ही नहीं है। यहाँ के तानाशाह की कहानी ही लड़कियों के साथ सोने से लेकर उनके साथ मौज मस्ती पे खत्म होती है। बाकी देश के लोगों का क्या हाल है, इससे इन्हें क्या ही मतलब होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोज बनाते रहते हैं।